नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस हे सिनामिका मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोर्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट, और तीसरा इसे है सिनामिका मूवी के ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोर्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और इसे है सिनामिका मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इसे है सिनामिका मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए बोला मोटिवेशनल कोर्स। उठो तो ऐसे उठो फकरो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फकरो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदी की भी नाज करे, आयो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, कि एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। दुलारे सलमान की साल 2023 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2022 में रिलीज हुई है सिनामिका मूवी, जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनामिका मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि है सिनामिका मूवी, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है, और इसे है सिनामिका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनामिका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। आई कैन से इट इज गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा, करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे सो केस द गुड इफेक्ट बाई एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल, ब्रिंडा मास्टर एज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल, द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाई स्टार्टिंग बाई ओन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी एज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन
टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मैरिज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट पस्ट लाइक दिस अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मैंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदिति काजल नक्षत्र वॉज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफेरेंस मोइना एंड याजुन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर सॉरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैप्पी ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदिति राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिट्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथ्यूजिटिंग एंड लॉजिशन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुथ ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting a divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Haidari and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ लव गोइज टू हेयर सिटी ऑफ वर्क वैन द हस्बैंड बिकम अनबिलीवेबल ऑफ लाइफ एंड गुड वाइफ हस्बैंड ए फिजियोलॉजिस्ट टू सी क्वेर हेयर हस्बैंड एंड विथ दैट रीजन सी कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स वैन द हस्बैंड गेट्स टू नाउ अबाउट द वाइफ प्लॉट अगेंस्ट हिम एज वेल एज द फिजियो logist friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to
बी ऑब्जेक्टिव ट्रिवलेशन एंड गुड वेयर द इज द मेल डोमिनेशन कंटिन्यू फील्स लाइक वाइल द सस्पेंड नॉट मेड अवेयर ऑफ इज टॉल्कनेस डिसऑर्डर ऑफ ओवर पैम्परिंग द वाइपिंग Why does he feel he's discovered the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulquer Salmaan Aditi Kajal performed extraordinary well all the characters in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silk Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the अटेंशन गोविंदा वसंता कनेक्टिंग एज विथ ब्रेजी रोमांटिक म्यूजिक नोटल सिनेमाटोग्राफी एंड आर्ट वर्क बिग क्लाप्स टू एंट्री टीम आई टोटली एंजॉय टू वॉच दिस मूवी आई होप डेफिनेटली इट इज ट्रेट फॉर लवर्स एंड मैरिड कपल्स विल बी गुड इन द बॉक्स ऑफिस एंड विल इट द ब्लॉकबस्टर हे सिनेमाइका मूवी रिव्यू हे सिनेमाइका इज ए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिटन बाई माधवन करकरे एंड डायरेक्टर बाई ब्रीदा इज एयर डायरेक्टर नेशनल ऑफ दिस गुड द ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी हे सिनेमाइका दुलारे सलमान इज इफेक्टलेस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड गुड द हे सिनेमाइका नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विद ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई हे सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था हे सिनेमाइका मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि हे सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे हे सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंदा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं हे सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाई एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाई स्टार्टिंग बाई ओन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजवान आफ्टर मैरिज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदिति काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीर ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदिति राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथ्यूजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every scene watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Hyderi and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ लव गोइज टू हेयर सिटी ऑफ वर्क वैन द हस्बैंड बीकम अनबिलीवेबल ऑफ लाइफ एंड गुड वाइफ हस्बैंड ए फिजियोलॉजिस्ट टू सिक्वेयर हेयर हस्बैंड एंड विथ दैट रीजन सी कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स वैन द हस्बैंड गेट्स टू नाउ अबाउट द वाइफ प्लॉट अगेंस्ट हिम एज वेल एज द फिजियो logist friend love for him he decided to part way from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other from the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actors con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel his discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silk Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and directed by brida is air director national hope this good the hope this good performance of this movie I have every scene and good thing about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless hope this good performance of this movie and good the hey cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विद ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोइना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुल्ड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेल नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ दुलारे इज एन ओवर एंथ्यूजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदित्य बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of a good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी आई हैव एवरी सीन वॉच द मूवी हे सिनेमिका ऑन नेटफ्लिक्स ए वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड नरेशन बाय द डायरेक्टर ब्रीदा एंड गुड एक्सप्रेशन बट रियली ए वंडरफुल स्टोरी प्ले एवरी डायलॉग एवरी फ्रेम इन नाइसली स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स कूडोज टू ऑल थ्री एक्टर दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एंड काजल अग्रवाल ओ माई गॉड काजल लुक्स वेरी ओल्ड ऑलरेडी of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of House husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to seek where her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other from the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster Hey Cinemaika movie review Hey Cinemaika is a romantic comedy film written by Madhavan Karkare and directed by Brida is air director national of this good the of this good performance of this movie I have every seen and good think about good performance of this movie Hey Cinemaika Dulare Salman is effectless of this good performance of this movie and good the Hey Cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्टर आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुल्ड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाय ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेयर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वुमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग फॉर 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इटसेल्फ इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथ्यूजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदित्य बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen was the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Hyderi and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to seek where her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other from the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be over objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discovered the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster Hey Cinemaika movie review Hey Cinemaika is a romantic comedy film written by Madhavan Karkare and directed by Brida is air director national of this good the of this good performance of this movie I have every seen and good think about good performance of this movie Hey Cinemaika Dulare Salman is effectless of this good performance of this movie and good the Hey Cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्टर आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुल्ड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाय ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर है पी ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिट्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ इज दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have every seen and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी आई हैव एवरी सीन वॉच द मूवी हे सिनेमिका ऑन नेटफ्लिक्स ए वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड नरेशन बाय द डायरेक्टर ब्रीदा एंड गुड एक्सप्रेशन बट रियली ए वंडरफुल स्टोरी प्ले एवरी डायलॉग एवरी फ्रेम इन नाइसली स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स कूडोज टू ऑल थ्री एक्टर दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एंड काजल अग्रवाल ओ माई गॉड काजल लुक्स वेरी ओल्ड ऑलरेडी of the movie for their excellent acting skill. The movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama. The love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop blabbering of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to seek where her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist Just friend love for him, he decided to part away from both of them. The wife beings of forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress, giving the message of love, meaning of relationship, the space and freedom to the relationship, the dialogue, screenplay, frames, storyline and actress cons some scenes dialogue are overrated. The ladies in the movie seems to be over. Objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the husband not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
वाई डज ही फील्स हीज डिस्कवर द एक्चुअली लव दिस एंड ईगो बेस्ट रोम कॉम फिल्म ऑफ द ईयर नेचुरल डिसेंट ड्रामा एंड दुलारी सलमान आदिति काजल परफॉर्मेड एक्सट्रनरी वेल ऑल द करैक्टर इन दिस फिल्म रियली क्लोज टू द हार्ट टचिंग एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग कैप्टन ऑफ द शिल्प ब्रिदा मास्टर स्ट्रेंगली सेलिड द सिप गुड डांस सिनेमाटोग्राफी मदन करेकरी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड लायरिक गोप द अटेंशन गोविंदा वसंता कनेक्टिंग एज विथ ब्रेजी रोमांटिक म्यूजिक नोटल सिनेमाटोग्राफी एंड आर्ट वर्क बिग क्लैप्स टू एंट्री टीम आई टोटली एंजॉय टू वॉच दिस मूवी आई होप डेफिनेटली इट इज ट्रीट फॉर लवर्स एंड मैरिड कपल्स विल बी गुड इन द बॉक्स ऑफिस एंड विल इट द ब्लॉकबस्टर हे सिनेमाइका मूवी रिव्यू हे सिनेमाइका इज ए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिटन बाई माधवन करकरे एंड डायरेक्टर बाई ब्रिदा इज एयर डायरेक्टर नेशनल ऑफ दिस गुड द ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी हे सिनेमाइका दुलारे सलमान इज इफेक्टलेस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड गुड द हे सिनेमा नित विदाउट ए ब्यूटिफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाई ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल वाट ऑफ ब्यूटिफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई हे सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था हे सिनेमाइका मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि हे सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे हे सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंदा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं हे सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। आई कैन से इट इज गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाई एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाई स्टार्टिंग बाई ओन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मैरिज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वुमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारी सलमान आदिति राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विद द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विद हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every scene watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulari Salman Aditi Rao Haidari and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ लव गोइज टू हेयर सिटी ऑफ वर्क वैन द हस्बैंड बीकम अनबिलीवेबल ऑफ लाइफ एंड गुड वाइफ हस्बैंड ए फिजियोलॉजिस्ट टू सिक्वेयर हेयर हस्बैंड एंड विथ दैट रीजन सी कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स वैन द हस्बैंड गेट्स टू नाउ अबाउट द वाइफ प्लॉट अगेंस्ट हिम एज वेल एज द फिजियोलॉजिस्ट जिस्ट फ्रेंड लव फॉर हिम ही डिसाइड टू पार्ट वे फ्रॉम बोथ ऑफ दैम द वाइफ बींग्स ऑफ फॉर गेवनेस एंड द कपल एक्सेप्टिंग ईच अदर फ्रॉम्स द क्लिमिक्स ऑफ द मूवी प्रोग्रेस गिविंग द मैसेज ऑफ लव मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप द स्पेस एंड फ्रीडम टू द रिलेशनशिप द डायलॉग स्क्रीन प्ले फ्रेम्स स्टोरी लाइन एंड एक्ट्रेस कौन सम सीन्स डायलॉग आर ओवर रेटेड द लेडीज इन द मूवी सीम्स टू be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silk Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster Hey Cinemaika movie review Hey Cinemaika is a romantic comedy film written by Madhavan Karkare and directed by Brida is air director national hope this good the hope this good performance of this movie I have every seen and good think about good performance of this movie Hey Cinemaika Dulare Salman is effectless hope this good performance of this movie and good the Hey Cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। आई कैन से इट इज गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजवान आफ्टर मैरिज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफेरेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाय ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टुक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेयर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वुमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ दुलारे इज एन ओवर एंथ्यूजिटिंग एंड लॉजिशन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदित्य बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैम्बरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of a good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unavailable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen was the movie Hey Sinamika on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Hyderi and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ लव गोइज टू हेयर सिटी ऑफ वर्क वैन द हस्बैंड बीकम अनबिलेबल ऑफ लाइफ एंड गुड वाइफ हस्बैंड ए फिजियोलॉजिस्ट टू सिक्वेयर हेयर हस्बैंड एंड विथ दैट रीजन सी कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स वैन द हस्बैंड गेट्स टू नाउ अबाउट द वाइफ प्लॉट अगेंस्ट हिम एज वेल एज द फिजियोलॉजिस्ट just friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other from the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and directed by brida is air director national of this good the of this good performance of this movie I have every seen and good think about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless of this good performance of this movie and good the hey cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोइना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुल्ड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदिति काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफेंस मोइना एंड याजुन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेयर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेल नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदिति राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी आई हैव एवरी सीन वॉच द मूवी हे सिनेमिका ऑन नेटफ्लिक्स ए वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड नरेशन बाय द डायरेक्टर ब्रीदा एंड गुड एक्सप्रेशन बट रियली ए वंडरफुल स्टोरी प्ले एवरी डायलॉग एवरी फ्रेम इन नाइसली स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स कूडोज टू ऑल थ्री एक्टर दुलारे सलमान आदिति राव हैदरी एंड काजल अग्रवाल ओ माई गॉड काजल लुक्स वेरी ओल्ड ऑलरेडी of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of हाउस हसबेंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हसबेंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हसबेंड आउट ऑफ लव गोइज टू हेयर सिटी ऑफ वर्क वैन द हसबेंड बीकम अनबिलेबल ऑफ लाइफ एंड गुड वाइफ हसबेंड ए फिजियोलॉजिस्ट टू सिक वेयर हेयर हसबेंड एंड विथ दैट रीजन सी कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स वैन द हसबेंड गेट्स टू नाउ अबाउट द वाइफ प्लॉट अगेंस्ट हिम एज वेल एज द फिजियोलॉजिस्ट जिस्ट फ्रेंड लव फॉर हिम ही डिसाइड टू पार्ट वे फ्रॉम बोथ ऑफ दैम द वाइफ बींग्स ऑफ फॉर गेवनेस एंड द कपल एक्सेप्टिंग ईच अदर फ्रॉम्स द क्लिमिक्स ऑफ द मूवी प्रोग्रेस गिविंग द मैसेज ऑफ लव मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप द स्पेस एंड फ्रीडम टू द रिलेशनशिप द डायलॉग स्क्रीन प्ले फ्रेम्स स्टोरी लाइन एंड एक्ट्रेस कौन सम सीन्स डायलॉग आर ओवर रेटेड द लेडीज इन द मूवी सीम्स टू be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and directed by brida is air director national of this good the of this good performance of this movie I have every seen and good think about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless of this good performance of this movie and good the hey cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इस है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ओन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैप्पी ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिट्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदित्य बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुथ ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting a divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Haidari and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to secure her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist just friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
वाई डज ही फील्स हीज डिस्कवर द एक्चुअली लव दिस एंड ईगो बेस्ट रोम कॉम फिल्म ऑफ द ईयर नेचुरल डिसेंट ड्रामा एंड दुलारे सलमान आदिति काजल परफॉर्मेड एक्शनरी वेल ऑल द करैक्टर इन दिस फिल्म रियली क्लोज टू द हार्ट टचिंग एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग कैप्टन ऑफ द सिल्प ब्रीदा मास्टर स्ट्रेंगली सेलिड द सिप गुड डांस सिनेमाटोग्राफी मदन करेकरी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड लायरिक गोप द अटेंशन गोविंदा वसंता कनेक्टिंग एज विथ ब्रेजी रोमांटिक म्यूजिक नोटल सिनेमाटोग्राफी एंड आर्ट वर्क बिग क्लाप्स टू एंट्री टीम आई टोटली एंजॉय टू वॉच दिस मूवी आई होप डेफिनेटली इट इज ट्रेट फॉर लवर्स एंड मैरिड कपल्स विल बी गुड इन द बॉक्स ऑफिस एंड विल इट द ब्लॉकबस्टर हे सिनेमाइका मूवी रिव्यू हे सिनेमाइका इज ए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिटन बाई माधवन करकरे एंड डायरेक्टर बाई ब्रीदा इज एयर डायरेक्टर नेशनल ऑफ दिस गुड द ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड थिंक अबाउट गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी हे सिनेमाइका दुलारे सलमान इज इफेक्टलेस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड गुड द हे सिनेमाइका नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विद ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज़ हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोइना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजवान आफ्टर मैरिज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुल्ड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफेंस मोइना एंड याजुन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेयर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ दुलारे इज एन ओवर एंथ्यूजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदित्य बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुथ ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैम्बरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every scene watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Haidari and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to secure her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and directed by brida is air director national of this good the of this good performance of this movie I have every seen and good think about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless of this good performance of this movie and good the hey cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज़ हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इस है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंदा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ओन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैप्पी ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वूमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग फॉर 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिट्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हसबेंड सी प्लान टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हसबेंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑव एवर हसबेंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulari Salman Aditi Rao Hyderi and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to seek where her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist Just friend love for him, he decided to part away from both of them. The wife being so forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress, giving the message of love, meaning of relationship, the space and freedom to the relationship, the dialogue, screenplay, frames, storyline and actress con some scenes dialogue are overrated. The ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feels his discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the ship Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and director by brida is air director national hope this good the hope this good performance of this movie I have every scene and good thing about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless hope this good performance of this movie and good the hey cinemaika Nit without a beautiful and brilliant movie with great acting by all the artists key roles player of this good and this difference the movie of course unconditional what of beautiful and brilliant movie of this good performance of this movie साल 2022 में रिलीज़ हुई हे सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था हे सिनेमाइका मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म, जो कि हे सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे हे सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं हे सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोइना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुल्ड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाय ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेयर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट समवन वुड हैव सेड देयर हैव पीट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वुमेन्स आर स्टिल एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशियन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदित्य बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulare learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every scene watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Hyderi and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हस्बैंड आउट ऑफ लव गोइज टू हेयर सिटी ऑफ वर्क वैन द हस्बैंड बीकम अनबिलेबल ऑफ लाइफ एंड गुड वाइफ हस्बैंड ए फिजियोलॉजिस्ट टू सिक्वेयर हेयर हस्बैंड एंड विथ दैट रीजन सी कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स वैन द हस्बैंड गेट्स टू नाउ अबाउट द वाइफ प्लॉट अगेंस्ट हिम एज वेल एज द फिजियोलॉजिस्ट जिस्ट फ्रेंड लव फॉर हिम ही डिसाइड टू पार्ट वे फ्रॉम बोथ ऑफ दैम द वाइफ बींग्स ऑफ फॉर गेवनेस एंड द कपल एक्सेप्टिंग ईच अदर फ्रॉम्स द क्लिमिक्स ऑफ द मूवी प्रोग्रेस गिविंग द मैसेज ऑफ लव मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप द स्पेस एंड फ्रीडम टू द रिलेशनशिप द डायलॉग स्क्रीन प्ले फ्रेम्स स्टोरी लाइन एंड एक्ट्रेस कौन सम सीन्स डायलॉग आर ओवर रेटेड द लेडीज इन द मूवी सीम्स टू be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel he discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster Hey Cinemaika movie review Hey Cinemaika is a romantic comedy film written by Madhavan Karkare and directed by Brida is air director national of this good the of this good performance of this movie I have every scene and good think about good performance of this movie Hey Cinemaika Dulare Salman is effectless of this good performance of this movie and good the Hey Cinemaika नित विदाउट ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी विथ ग्रेट एक्टिंग बाय ऑल द आर्टिस्ट की रोल्स प्लेयर ऑफ दिस गुड एंड दिस डिफरेंस द मूवी ऑफ कोर्स एंड कंडीशनल व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट मूवी ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी साल 2022 में रिलीज़ हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इस है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंडा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ओन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मेरीज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मैंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वॉज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफ्रेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्शनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर हैप्पी ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वुमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग फॉर 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिट्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हसबेंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हसबेंड विथ द रीजन ऑफ वर्क हाउ एवर हसबेंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting and divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulari Salman Aditi Rao Hyderi and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to seek where her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist Just friend love for him he decided to part away from both of them the wife being so forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress giving the message of love meaning of relationship the space and freedom to the relationship the dialogue screenplay frames storyline and actress con some scenes dialogue are overrated the ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feel his discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography Madan Karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and director by brida is air director national hope this good the hope this good performance of this movie I have every scene and good thing about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless hope this good performance of this movie and good the hey cinemaika Nit without a beautiful and brilliant movie with great acting by all the artists key roles player of this good and this difference the movie of course unconditional what of beautiful and brilliant movie of this good performance of this movie साल 2022 में रिलीज हुई है सिनेमाइका मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी दुलारे सलमान के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था है सिनेमाइका मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और कॉमेडी की कैटेगरी की फिल्म जो कि है सिनेमाइका मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 29 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 29 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 80% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इसे है सिनेमाइका मूवी की रिलीज डेट 3 मार्च 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रिंदा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं है सिनेमाइका मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई कैन से इट इज़ गुड रोम कॉम मूवी फिल्ड विथ इमोशनल फन रोमांस एंड ड्रामा करेक्टर याजवान दुलारे एंड मोइना आदिति आर आल्सो वंस आई लाइक मच दे शो केस द गुड इफेक्ट बाय एक्टिंग देयर करेक्टर सो वेल ब्रिंदा मास्टर हैज डन ए नाइस जॉब इन डायरेक्शन द फिल्म वेल द पार्ट आई लाइक मच वाज एंड याजवान प्रोग्रेस मोना इन द स्टोरम बाय स्टार्टिंग बाय ऑन द मूवी इट वाज वेरी रोमांटिक एंड सीन्स वाज एनक्यू एंड कैप्चर वेल सेइंग अबाउट काजल सी हैज डन हेयर पार्ट क्यूट वेल डन ऑफ मोइना एज प्लेयर गुड रीजन टू आस्क हेल्प विथ काजल टू गेट द डिवोर्स एंड विथ द हस्बैंड याजन आफ्टर मैरिज वैन काजल विल एंटर इन देयर लाइफ इट वेल इफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड दे वेल टेंड टू सी इन डिफरेंट रेपोटेशन विच दे हैड बिफोर आई थ्रू आउट इट इज लव ट्रिंगल बिटवीन काजल आदिति दुलारे एज इज वुड चीट ऑन आदिति वट ही नेवर डिड एज लाइक अदर मैन दैट इज पार्ट फर्स्ट लाइक दिस
अबाउट द फिल्म एंड आल्सो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ आदित्य काजल नक्षत्रा वाज गुड इफ यू नोटिस द डिटेल ऑल द सॉन्ग्स एंड लायरिक वेरी अवेसम एट लास्ट एज पर द ऑडियंस प्रिफरेंस मोइना एंड याजवन विल नाइट इज द गुड एंड विच इज द इमोशनल इट वर्थ वॉचिंग सच एन वंडरफुल स्क्रिप्ट बाई ब्रीदा मास्टर स्टोरी नाउ सी इज ग्रेट डायरेक्टर टू द से द टूक द स्टोरी इज सीरियसली सुपर एंड अनक्यू द क्लिमिक सीन्स वेर सी किप्ट द डायलॉग एंड फ्रेम्स एंड एक्सट्रनरी इट सम वन वुड हैव सेड देयर है पीर ट्रियर टू फाइनल टच यस द बेस्ट वुमेन्स आर स्टील एग्जिट लव विल नेवर फेल टू पुल यू डाउन बाई ओवर डिफरेंस वी हैव टू एक्सेप्ट योर डिफरेंस एंड फ्रीडम सो इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल मैक यूज स्मार्टर एंड हैप्पियर थैंक यू डायरेक्टर ब्रीदा ओ फॉर ब्रिंग अप द बेस्ट शो ऑज ईयरली वेटिंग फॉर दिस फ्यूचर फिल्म मूवी नेम ए सिनेमिका वेर नेटफ्लिक्स जनरेशन रोम कॉम रेटिंग 10/5 ए सिनेमिका स्टार्टिंग दुलारे सलमान आदित्य राव हैदरी एज मैन लीड एज काजल इन ए स्पेशल करैक्टर इज ए फन मूवी इन बिल्ड्स एंड पीस बट द मैन प्लॉट इट सेल्फ इज डुल दुलारे इज एन ओवर एंथुजिटिंग एंड लॉजिशन पर्सन हु ऑलवेज लाइक टू स्पीक अबाउट थिंग्स टू इन एक्सेल एट द लव कनेक्ट बिटवीन दुलारे एंड आदिति बींग्स वेल बट डाउन द लाइन सी फील्स सपोर्टेड हुत ओवर लव एंड नॉन स्टॉप गैमरिंग ऑफ हाउस हस्बैंड सी प्लान्स टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हस्बैंड विथ द रीजन ऑफ वर्क ऑफ एवर हस्बैंड आउट ऑफ द लव मैनेज टू स्टे विथ हेयर एज different location of good performance of this movie I have everything and good think about good performance and things become a unbelievable for Aditi and consulate a physiologist Kajal Agarwal for help in getting a divorce without husband knowing the fact towards the end Dulari learns the truth and emotional drama comes on to the otherwise so called comedy and good think about climax and good performance of this movie I have every seen watch the movie Hey Cinemica on Netflix a wonderful script and narration by the director Brida and good expression but really a wonderful story play every dialogue every frame in a nicely script of course kudos to all three actor Dulare Salman Aditi Rao Haidari and Kajal Agarwal oh my god Kajal looks very old already of the movie for their excellent acting skill the movie is nice rom-com played completely with emotional romance and drama the love affair between Dulare and Aditi beings will the start of this movie with they get married within 5-10 minutes of this movie but down of the line she feels supported with overall showcase affection love pampering no freedom to talk about it and non-stop belaboring of house husband she plans to take a break from husband with the reason of work however husband out of love goes to her city of work when the husband become unbelievable of life and good wife husband a physiologist to secure her husband and with that reason she can apply for divorce when the husband gets to know about the wife plot against him as well as the physiologist Just friend love for him, he decided to part away from both of them. The wife being so forgiveness and the couple accepting each other forms the climax of the movie progress, giving the message of love, meaning of relationship, the space and freedom to the relationship, the dialogue, screenplay, frames, storyline and actress con some scenes dialogue are overrated. The ladies in the movie seems to be objective tribulation and good where the male domination continue feels like while the suspect not made aware of his talkativeness disorder of over pampering the wife
Why does he feels his discover the actually love this and ego best rom-com film of the year natural descent drama and Dulari Salman Aditi Kajal performed extraordinary well all the character in this film really close to the heart touching entertaining interesting captain of the silp Brida master strangely sailed the ship good dance cinematography madan karekri story screenplay dialogue and lyric of the attention Govinda Vasanta connecting as with brazy romantic music notal cinematography and artwork big claps to entry team I totally enjoy to watch this movie I hope definitely it is treat for lovers and married couples will be good in the box office and will hit the blockbuster hey cinemaika movie review hey cinemaika is a romantic comedy film written by madhavan karkare and directed by brida is air director national hope this good the hope this good performance of this movie I have every scene and good thing about good performance of this movie hey cinemaika dulare salman is effectless hope this good performance of this movie and good the hey cinemaika Nit without a beautiful and brilliant movie with great acting by all the artists key roles player of this good and this depends the movie of course and conditional what of beautiful and brilliant movie of this good performance